हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी, आपका नंबर यूट्यूब से मिला था। हाँ जी, वो हमें कुछ जानना था कॉन्स्टिपेशन के बारे में। हाँ जी, जैसे हमको पहले जॉन्डिस हुआ था इस साल पहले, तो अभी जैसे कॉन्स्टिपेशन अभी भी रहता है, दो तीन बार जाना पड़ता है बाथरूम में। दो तीन बार जाना पड़ता है, मतलब एक बार में क्लियर नहीं होता है। तो अगर दो तीन बार जाना पड़ता है उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं बोलते, उसको तो आईबीएस बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे मतलब एक बार लगता है कि पेट में है, वो क्लियर नहीं होता है जैसे। हाँ जी, हाँ हाँ, तो उसको आईबीएस ही बोलते हैं। अच्छा, तो फिर क्या वेट क्या है आपका? वेट है 58 होगा। वेट 58 है आपका, और हाइट? हाइट 5'6" होगी, 5'6". और उसके अलावा आपका, एक सेकेंड रुको, वेट कितना होता है? 56। ओके, एक मिनट, मेरे को ना अभी थोड़ा कहीं निकलना था तो। अच्छा, ठीक है। आपका पानी कितना पीते हैं दिन में? पानी तो हो जाता है 3-4 लीटर, सुबह या 3 ग्लास पीते हैं। हाँ, और उसके बाद 1-2-3 लीटर हो जाता है उसके बाद पी लेते हैं। सुबह कितना पीते हैं? 3-4 ग्लास। वो 3-4, हाँ 3 ग्लास पी लेते हैं सुबह के टाइम उठते ही, गर्म पानी। अच्छा, टोटल 4 लीटर हो जाता है। हाँ हाँ, देखो आपकी समस्या तो वही है, आपको खाली पेट पानी नहीं पीना होता, खाली पेट पानी पीने से प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब अगर आप इसे छुटकारा पाना चाहते हो तो खाली पेट पानी सुबह उठकर पीना बंद कर दो, और कुछ दिनों के लिए सिर्फ खाने के साथ 1 गिलास पियो। अच्छा अच्छा, तो आपका खाने के साथ भी कितनी रोटी खाते हैं आप? सुबह के टाइम 4 खाते हैं और रात में 3 खाते हैं, और दोपहर में चावल दाल। तो आप करीब 1 गिलास पानी रखो, और उसके अलावा पानी मत लो, तो 250 ग्राम का अगर पानी हुआ 250 ml, तो पूरे दिन में 250 × 3 बार खाना खाएंगे, और 750 ml पानी लीजिए। उसके अलावा मुंह सूखता है तो 1-2 घूंट ले लो। अच्छा, अच्छा, तो टोटल मिलाकर 1 लीटर से ऊपर मत जाओ। तो ऐसे 4-5 दिन के लिए करोगे तो आपको ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होगा इसके बावजूद, तो फिर एक दिन पानी बढ़ाकर अगले दिन 0 कर लेना। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि अगले 4 या 5 दिन 1 लीटर रखो। अच्छा, या एक से भी कम रखो, मतलब जैसे 250 × 3 750, और उसके बाद चौथे दिन अगर आपको आराम मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज चौथे दिन इसको कर लो 2.5 लीटर। अच्छा, और पांचवे दिन कर लो 0। अच्छा, और उसके बाद, उसके अलावा क्या करना है, सुबह उठकर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 1 घंटा सुबह करो, 1 घंटा रात को सोने से पहले करो। अच्छा अच्छा, तो इससे आपकी ये समस्या जो बार बार जाने की है वो हल हो जाएगी हफ्ते के अंदर। पहले तो आप 1 लीटर पर आकर देखो उससे कितना आराम मिलता है, पर ये साथ में चलने वाला भी इम्पोर्टेंट है। चलने वाला रोज करना पड़े सुबह उठते ही। सुबह उठ के करो, अगर सुबह टाइम नहीं है तो आधा घंटा का टाइम निकालो सुबह, अगर पूरे टाइम निकाल सकते हो तो 1 घंटा करो, और 1 घंटा रात को सोने से पहले। मतलब 5-5 मिनट कितने देर करना है? 1 घंटा? हाँ, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, फिर 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है। इससे क्या होगा कि आपको नींद वगैरह भी अच्छी आएगी और पेट भी अच्छे से साफ होगा। अच्छा, और दूसरा पानी कम करने का बताई दिया, और तीसरा इसके अलावा दूध वगैरह लेते हैं? हाँ, दूध लेते हैं रात में। दूध बंद कर दो, चाय बंद कर दो, फ्रूट बंद कर दो, जूसेस बंद कर दो, कोई भी और दही लेते हो या लस्सी लेते हो वो सब बंद। दही लस्सी तो नहीं लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं कभी कभी, वो भी बंद कर दो थोड़े दिन के लिए। अच्छा, तो एक बार ये पानी का बैलेंस बन जाएगा आपकी बॉडी का, फिर आप धीरे धीरे करके शुरू कर दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि फ्रूट लेकर बहुत बढ़िया होता है, फ्रूट लेकर लोगों को कैंसर भी होता है। तो ऐसा जो आजकल व्हाट्सएप पर घूमने को मिलता है ना,
दुनिया भर के कि कैंसर ठीक होता है, फ्रूट लेना चाहिए, रॉ डाइट लेनी चाहिए, रॉ डाइट मतलब रॉ डाइट से तकलीफें ज्यादा बढ़ती हैं, आपको हर तरीके का खाना चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा तो सब चीजें ठीक है, पर अगर आप रोज फ्रूट लेते हो वो भी एक समस्या है। अच्छा अच्छा, और जैसे वीगन डाइट भी ले सकते हैं क्या? अब वेगन पर हो गया? नहीं नहीं, देखिए अभी अभी कुछ मतलब दो दिन पहले ही एक वेगन डाइट के थे कोई, तो उनका वेगन डाइट की वजह से बल्कि ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उससे स्टमक एसिड्स बहुत कम हो जाते हैं, तो वो किसी भी एंगल से हेल्दी नहीं है। और आप नॉनवेज लेते हो तो नॉनवेज लेते रहो, जो खाते हो वो खाते रहो, कोई टेंशन नहीं है, बस ये है कि खाना थोड़ा थोड़ा बदल के खाना चाहिए, एक जैसा नहीं लेना चाहिए। इसी तरीके से पानी भी थोड़ा थोड़ा चेंज करके लेना चाहिए, कभी 2 लीटर ले लिया, 2 लीटर कम लेना है और कम ज्यादा लेना है, मतलब 1 लीटर पर रहो ज्यादातर या 1 लीटर से कम पर रहो, और खाने के साथ पानी जरूर लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, एक गिलास। तो वो जो दूसरा कंसेप्ट घूमता है ना कि उससे जठराग्नि खराब हो जाती है और डाइजेशन नहीं होता, एसिड कमजोर हो जाते हैं, ऐसा सब कुछ नहीं है। अच्छा, आपके पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी का सबसे बढ़िया साधन क्या होता है? चलना और रेस्ट करना। अच्छा। उससे आपके पेट को एनर्जी मिलेगी, आपका पेट ठीक से काम करेगा, आपका एक बारी में काम हो जाएगा। और जैसे हमें प्रॉब्लम होती है तो सुबह के टाइम जैसे थोड़ा सा सिर पकड़ लेता है, नहीं पॉटी क्लीनी होती है तो, हाँ तो वो गैस बनती है ना आपको, तो वो एसिडिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है, और एसिडिटी से रिलेटेड रोज के 10 बार तो आती है और लोग 1 या 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो कब तक मतलब कितना टाइम लगेगा इसमें? जैसे देखिए अगर तो आपका पानी का लेवल बहुत ज्यादा होगा कि आप बहुत टाइम से इतना पानी पी रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहली बात तो 3 दिन करके पानी कम करके देखिए कि आपको कितना आराम मिलता है। अच्छा अच्छा, अगर उससे ज्यादा आराम नहीं मिलता आपको तो फिर पानी छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ने का कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। अगर IBS है तो IBS जैसा आप बता रहे हैं, IBS के लक्षण है, तो IBS तो अगर किसी का अच्छे से पकड़ा होता है तो, लेकिन IBS का प्रॉब्लम तो वैसे नहीं है। अगर आपको 3 बार जाना पड़ता है, हर बार थोड़ा थोड़ा आता है, तो IBS ही बोलते हैं उसको। अच्छा, और जैसे ये बाहर का आइटम बंद कर देना। नहीं, क्यों, बाहर के आइटम से कुछ नहीं होता, पानी से सारा कुछ होता है। आपके शरीर का जो पूरा सिस्टम है ना वो पानी से चलता है। अच्छा अच्छा, और आप हमारे यहाँ पर क्या है कि पिछले कुछ सैकड़ों सालों के अंदर एक ही बात दोहराई जाती है कि आप बैलेंस डाइट खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा खाने से कुछ नहीं होता है, आप पानी से हर चीज को एडजस्ट कर सकते हो। आप मानो एक गिलास पानी लेते हो, उस पानी में 1 चम्मच नमक डालते हो, नमक ज्यादा लग रहा है आपको टेस्ट करने पर, मैं जा रहा हूँ बंद कर ले, तो नमक ज्यादा कैसे ज्यादा लग रहा है तो कैसे कम करोगे, पानी और डाल के, या कोई और भी तरीका होता है? अच्छा, इसी तरीके से अगर नमक कम हो तो पानी कम करके आप नमक बंद कर ले बढ़िया, तो पानी कम करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। आपके शरीर में क्या कम है क्या ज्यादा है, ये जितने डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हाँ हाँ, ये आपको कुछ भी नहीं बता सकते, बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आपने ऐसी बात कितने लोग देखे होंगे, डॉक्टर कहते हैं जी अंदर तो सब ठीक है पर पेशेंट नहीं बचेगा, जब आदमी मरने लगता है तो डॉक्टर उसके बारे में नहीं बता सकते कि क्या कम है क्या ज्यादा है, तो जो ठीक है वो तो ठीक है, उसके बारे में क्या बताना, जिसको प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताना चाहिए ना। अगर कोई आदमी मरने वाला है और उसको आप डॉक्टर ये नहीं बता सकते कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप ये क्या सोचते हो कि ठीक आदमी का बता देंगे, वो गलत कह रहा हूँ क्या? अच्छा हाँ हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, समझ गए ना, आपके जिसको इतनी समस्या है कि वो मरने वाला है उसका आपको पता अच्छा। नहीं, और जो ठीक है उसका सब कुछ पता है आपको। हाँ हाँ, तो जो आपका मेडिसिन सिस्टम है ये एक फ्रॉड है। अच्छा अच्छा, और तगड़ा फ्रॉड है, अच्छा फ्रॉड है, तो आप इसको करो, और अगर IBS भी होगा, अगर इनिशियल स्टेज होगा तो 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, और ज्यादा भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा देर से। अच्छा अच्छा, आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, पानी तो एडजस्ट। हाँ, आप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगे ना,
तो डॉक्टर 85,000 रुपया खर्चा टेस्ट लिख देंगे और वो टेस्ट कराने के कहेंगे कि आपके दिमाग में खराबी है, बाकी सब ठीक है। आप चाहोगे कोई आपको कहेगी आप पागल हो? नहीं नहीं, अब इंटरनेट पर देख लो IBS का फाइनल रिजल्ट क्या होता है। जब सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं हर चीज नॉर्मल आती है और ज्यादातर लोगों की नॉर्मल आती है। अच्छा। उसके बाद में कहते हैं आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। अभी एक पेशेंट था उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, 10 साल दवाई देने के बाद में बोलते जी इनको दिमागी प्रॉब्लम है और उसको दिमाग की दवाई देनी शुरू कर दी। उन्होंने 2 दिन पानी को कम किया और तीसरे दिन ठीक हो गए। वो मेरा YouTube को सब्सक्राइब करिएगा, YouTube का लिंक मालूम है मेरा? हाँ, YouTube का ही आपका देखे हैं, उसी से मिला है आपका नंबर। तो आप YouTube में कुछ प्लेलिस्ट वगैरह है एसिडिटी पर, उसको देखिए लोगों को कितने जल्दी जल्दी आराम मिलता है। अच्छा, और आपका भी मैं डालूंगा अभी। आपका बेसिकली क्या है कि अगर आप सारे के सारे YouTube देखोगे ना मेरे, तो सारों में बहुत से लोगों में का मैंने फीडबैक नहीं लिया हुआ या उन्होंने दिया नहीं हुआ। अच्छा, परंतु एक चीज बड़ी क्लियरली आ जाती है और वो चीज ये आती है कि जो आदमी ज्यादा पानी पीता है उसको उतनी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, चाहे वो फ्रूट जूस हो या फ्रूट हो, दही हो या लस्सी हो या नींबू पानी हो या चाय हो, कोई भी चीज फ्लूइड ज्यादा होगी तो ज्यादा दिक्कत होती है। 5-6 कप चाय पीने वालों को तो रेगुलर प्रॉब्लम होती है। चाय तो नहीं पीते आप? चाय पीते हैं सुबह एक बार पीते हो? चलो, उसको तो आपकी मर्जी है, एक बारी के बारे में क्या बोलूं, पर बंद करना चाहो तो बंद कर दो, उससे भी थोड़ा सा आराम मिलता है पर ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो करके देखो, आपको 15 दिन से लेकर 30 दिन में ठीक कर देंगे। कुछ एक दो तुक्के मारने पड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू।